हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पलवल में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। जिले में अब तक कोरोना के 30 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि 4 मरीज यहां पर पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 200 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 100 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच रिपोर्ट में 99 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। विभाग पलवल की ओर से जो कोविड-19 के बारे में स्थिति है उसके अंदर हमारे पास में लगभग 200 के आसपास सैंपल्स करवाए गए थे, जिसमें से 100 टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। उनमें से 100 में से 99 नेगेटिव हैं, एक टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और जो पॉजिटिव हैं वो हथीन में एक गांव के निवासी हैं और उनका संपर्क जमात के लोगों से हुआ था, जिस दौरान जमात के लोग यहाँ आए थे। तो कंटैक्ट ट्रेसिंग में हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए, ट्रेस करके आइसोलेट कर पाए और उनका सैंपल जब भेजा तो वो पॉजिटिव आया है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनका इस समय दोबारा जब टेस्ट कराया तो दो बार टेस्ट कराने के बाद में भी उनके टेस्ट नेगेटिव आए। तो 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज किए गए हैं। जो हमारे पास में इस समय 28 पॉजिटिव पेशेंट बने हुए थे उनमें से 3 ठीक हो गए, 25 हो गए हैं और एक आज नया पेशेंट जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर 26 एक्टिव पेशेंट इस समय हमारे जिले में हैं।